जो मीडिया ने दिखाया है कि वहाँ पे ऐसा होता था, बहनों के साथ ऐसा होता था, नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है, सरासर झूठ है, मीडिया वाले तो अपनी बस बना। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली वेल एजुकेटेड जो लड़कियां हैं उनके डेरा सच्चा सौदा के बारे में और डॉक्टर एमएससी के बारे में क्या विचार है। और सबसे खास बात ये है कि हम उनसे पूछेंगे कि डेरा सच्चा सौदा लड़कियों के लिए कितना सेफ है, लड़कियों को वहाँ पे किस नजरिए से देखा जाता है, यही चीज हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपका नाम क्या है जी? आशा इंसा। कितने सालों से आप डेरा सच्चा सौदा जा रहे हैं? 30 साल से। आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए आपको कितने साल हो गए? हमें हो गए 12 साल। कभी आपने कुछ गलत होते हुए देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा कभी। आपको अपने गुरु पर कितना विश्वास है? दृढ़ विश्वास है गुरु जी पे, अपने आप पर भी इतना विश्वास जितना गुरु जी पे है। इतने सालों से आप वहाँ जा रही हो, अब भी जा रही हो, कभी आपने कुछ गलत होते हुए देखा वहाँ पे? कभी भी नहीं देखा, उसके अंदर तो कुछ गलत कभी होता ही नहीं है, ऐसे कैसे? जो मीडिया में दिखाया गया है उसके बारे में क्या कहोगे? मीडिया वाले बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे आरोप है डेरा जी पे। क्या आज भी डेरा सच्चा सौदा जाते हो? हाँ। आज भी आप डेरा सच्चा सौदा जाते हो? हाँ बिल्कुल जाते हैं। गुरु जी का आचरण कैसा है? बहुत ही अच्छा है, ऐसा तो गुरु कभी मिलेगा ही नहीं, ना है कभी ना होगा। आपको अपने गुरु पर कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा, वो तो बता भी नहीं सकते, इतना दृढ़ विश्वास है गुरु जी पे हमें। जो मीडिया ने दिखाया है कि वहाँ पे ऐसा होता था, बहनों के साथ ऐसा होता था, नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है, सरासर झूठ है, मीडिया वाले तो अपनी बस बनाकर झूठ और सच का पता ही चल जाएगा गुरु जी जब आएंगे बाहर। बारे सिखाए हैं क्या आज भी आप वो लोग करते हो? बिल्कुल करते हैं, हमें सफाई करना और मानवता भलाई के जो कार्य होते वो करने, जो सिखा के गए हम लोग वो सारा ही आज कर रहे हैं। आपने देखा कि आज भी ये पढ़े लिखे जो कि मीडिया इन्हें अंधभक्त कह रहा है, ये आज अपने विचार गुरुजी के बारे में किस तरह के रखते हैं और अंतिम समय तक डेरा सच्चा सौदा में जाने के लिए इन्होंने प्रण ले रखे हैं। क्यों? अगर आज लाखों लोग डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर है। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, क्या लाखों लोग गलत हो सकते हैं? ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि लाखों लोग गलत हो, और वो भी पढ़े लिखे, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब सच कौन बोल रहा है और झूठ का बाजार कौन गरम कर रहा है, ये आप सोचो, विचार करो कि इस समाज में झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। दोस्तों, जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं ये वाकई में ही 100% सच है। आप लोगों के बयान सुन रहे हैं, बिल्कुल 100% सच है। हमारे इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले, और अपने जो विचार हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपकी भी सोच किस तरह की है। और डॉक्टर एमएस जी ने जो समाज में परिवर्तन लाने का जो बीड़ा उठाया है उसमें आपके क्या विचार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।